हाय गाइस, आज मैं आपको ऑटोकैड के अंदर मौजूद कमांड अरे के बारे में बताऊंगा। अरे के अंदर रेक्टेंगुलर अरे और पोलर अरे दो कमांड है, ये बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोकैड के अंदर काम करने के लिए। तो मैं आज आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, ये कैसे यूज किए जाती हैं। तो गाइज, मैंने पहले एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया होता है, मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये एक बंदे की शक्ल में एक ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग ये एक तो होम के अंदर अरे कमांड जो आपके सामने ये नजर आ रही है यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं, और इसकी शॉर्ट की जो है वो है ARRR, इससे भी वो आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि होम के अंदर ये अरे की कमांड पड़ी, यहाँ पे ये रेक्टेंगल पोलर पड़ा हुआ। तो मैं सबसे पहले करना क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपने रेक्टेंगल की अरे जो है वो यूज करनी है, तो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये टेबल आ जाएगा, तो टेबल में ये जो कॉलम जो 4 आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है मीन के, जैसे ये हम लोगों की 5 कॉलम करने हैं तो हम लोग इसको 5 कर देंगे। तो हमारे पास ये नीचे नजर आ रहे हैं जो हमारे कॉलम जो है वो 5 हो जाएंगे, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो वो 7 है या 6 है तो आप उसको 7 करके इंटर कर देंगे, तो आपके जो कॉलम की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। अब मैं 7 से मैं 8 करने लगा हूँ, आप देखें और इंटर कर दें तो वो आपकी क्वांटिटी जो 8 हो जाएगी। तो गाइस, ये है कॉलम जो है उसको एक्सटेंड करना। ये जरूरी नहीं है कि आप ये ऑब्जेक्ट आपका ये बंदा ही है या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको इस तरह उसके कॉलमों की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये कॉलमों की क्वांटिटी बढ़ाने का तरीका है, को साथ अगर आपने रे की क्वांटिटी बढ़ानी है रो की, तो रो के अंदर पहले ये 3 है, आपको नजर भी आ रही होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे तो 5 की रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको 5 करूँगा और इंटर कर दूंगा। तो गाइस, ये हमारे पास ये इसकी जो क्वांटिटी है वो 5 हो जाएगी। मुझे 5 से भी ज़्यादा मीन ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने इसकी टेबल के अंदर जस्ट मैंने नोट करना है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 मुझे चाहिए जो हमारे कॉलम की तादाद है, तो मैं 5 करूँगा और इंटर करूँगा, तो हमारे पास उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि इसकी क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ा लेते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है ड्राइंग के अंदर जिस जगह पे भी आपने अरे की कमांड यूज करनी है और उसकी कॉलम और रो की क्वांटिटी जो बढ़ानी है, तो आप इस तरह बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास इसी अरे के अंदर जो हमारे पास कमांड है पोलर, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमने उसको कैसे यूज करना है। तो ये हमारे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो होती है वो राउंड शक्ल में जो होता है पोलर अरे, वहाँ यूज होती है ये ज्यादातर जो होते हैं। ये शादी हाल के अंदर आपने कोई डिजाइन करना है, इन बंदों की क्वांटिटी वगैरह लेनी है, टेबल लगाने हैं, टेबल का डिजाइन करना है, और उसके ऊपर जितने रिक्वायरमेंट आपने इंसान बैठने हैं बंदे बैठने हैं आपकी वो क्वांटिटी निकल आएगी। इसके अलावा जो अरे की कमांड जो है ये ऑडिटोरियम बनाने में और मीटिंग रूम में इस्तेमाल होती है, आपके मीटिंग टेबल के ऊपर और बाकी स्टेडियम बनाने में, जहाँ पे भी आपका सर्कल में आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना है उसके राउंड के ऊपर, तो आप क्या करेंगे ये कमांड अरे की यूज करेंगे। चलिए मैं आपको ये पोलर अरे यूज करके बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक एग्जाम्पल है, मैं एक सर्कल लगा लेता हूँ जिसका मैं 5 फुट जो है वो उसकी कमांड दे के वो मैंने एक सर्कल लगा लिया, और इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है उस ऑब्जेक्ट को रख लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने वही कमांड जो मैं यूज करने लगा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ पोलर अरे, आपने उसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब उसी जो सर्कल है उसका आपने मिड पॉइंट लेना है, तो मिड पॉइंट लेके आपने वहां क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये उसके साइडों पे आए एग्जाम्पल के तौर पे वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फैल गया राउंड की शक्ल में। तो आपके सामने यहाँ पे एक टेबल खुल गया जो जहाँ पे इसकी क्वांटिटी आ रही है अभी फिलहाल जो 6 नजर आ रही है, आप 6 को आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। मीन जैसे ही मुझे ये पहले 6 है, मैंने इसको 8 कर दिया, और आपके सामने ये टेबल के साइड पे जो इंसानों की तादाद वो 8 होगी, उसके बाद मुझे चाहिए 10, मैं 10 कर देता हूँ,
उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे मजीद चाहिए 12 चाहिए तो मैं 12 कर देता हूँ। तो गाइज इस तरह आप इसकी जो क्वांटिटी वगैरह जो है वो आप बढ़ा सकते हैं और ऐसे ही आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। तो ये आपके पास वो एक टेबल था जिसकी चारों साइड पे राउंड की शक्ल में वो क्वांटिटी जो है आपकी जो आपके ऑब्जेक्ट की जो ये मैंने बंदे की शक्ल में लेके आया हूँ वो चारों साइड पे उसके सर्कल में फैल गया। और इसी तरह जैसे ये ऑब्जेक्ट इसकी आपने रॉ भी बढ़ानी है तो पहले एटम हमने बढ़ाई है उसके बाद हमें रॉ बनानी है। तो रॉ को भी जैसे ये एक सर्कल है इसकी बरूनी साइड पे हमने अगर और रॉ बनानी है जैसे आप ये स्टेडियम में ऑडिटोरियम में इनकी क्वांटिटी वगैरह बढ़ाते हैं तो दोस्त आप वहाँ पे भी मुझे 2 रॉ चाहिए तो उसकी क्वांटिटी आप भी बढ़ा सकते हैं। मुझे 3 चाहिए ऐसे तो मैं इसको क्या करता हूँ मैं 3 लिख देता हूँ। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे इसकी क्वांटिटी वगैरह भी बढ़ाते जाएंगे। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तब यूज़ होता है जब किसी राउंड शक्ल के अंदर आपकी ये शेप देनी हो कोई डिज़ाइन करना हो एडिटोरियम में मीटिंग हॉल में तो दोस्त ये वहाँ पे आप इस कमांड को यूज़ करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास उसको आपने राउंड की शक्ल में आपने यूज़ करना है तो आप इस तरह ये 2 कमांड यूज़ करेंगे। ये कैड की बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी टफ है आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको कमेंट्स के अंदर इसको आप लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं या मेरा दिया हुआ नंबर आप यूज़ कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं। तो दोस्त अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और प्रैक्टिस इसके ऊपर करिएगा आप। तो इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।